बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिक्स ब्लॉग में देसी विलेज स्टाइल का जी चिकन पुलाव बना रहे हैं। इंशाल्लाह जी आपको मेरा चिकन पुलाव ज़रूर पसंद आएगा। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिक्स ब्लॉग। क्या हाल है जी मेरी वाइटी फैमिली का? इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मिक्स ब्लॉग में मैं बना रही हूँ देसी विलेज स्टाइल का जी चिकन पुलाव बना रही हूँ। इंशाल्लाह जी आपको मेरा ये चिकन पुलाव भी ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए जी मैंने प्याज ले लिया 2 से 3 अदद, इसको हम ब्राउन कर लेते हैं। मैंने इसमें 3 चम्मच तकरीबन घी डाला था और इसमें प्याज डाल के मैंने इसको ब्राउन कर दिया और साथ ही अपना चिकन डाल दिया है। ये देखें जी माशाल्लाह, साथ ही मैंने इसमें तकरीबन जी मेरा 5 किलो चिकन पुलाव है, तो इसलिए मैंने अभी इसमें तकरीबन 5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया और नमक डाल के अपने चिकन को अच्छे से भून लूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह से इसकी रंगत बहुत ज़बरदस्त निकला है। साथ ही इसे इन्ग्रीडियंट्स शामिल करते हैं। मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए हैं और 6 से 8 तकरीबन मेरी ये मोटी मिर्च है और साथ मैंने 3 चम्मच धड़ा मिर्च के शामिल करके अपने पुलाव में शामिल कर दिया है। हम जी ये विलेज स्टाइल का पुलाव बना रहे हैं, इसलिए इसमें मिर्चें सबसे ज़्यादा जाएंगे। हम टमाटर डाल के इसको अच्छे से भून लेते हैं, साथ ही दूसरे इन्ग्रीडियंट्स भी शामिल करते जाएंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा भी गर्म मसाला भी शामिल कर दिया है, क्योंकि मैं विलेज स्टाइल चिकन पुलाव बना रही हूँ इसलिए थोड़ा तीखा होता है, इसमें नमक भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। मेरा चिकन अच्छे से भुन गया जी और हम इसमें अपना पानी डाल देते हैं। पानी आपने अपने नाप के हिसाब से डालना है, इसलिए कि मैं अंदाज़े से डालती हूँ तो वो मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि कितना डालना है। आप जब भी अपना पुलाव बनाएं तो आप अपने नाप के हिसाब से पानी को शामिल करें। जो देखें जी माशाल्लाह से मेरे पानी में बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल डालते हैं। चावलों को तकरीबन मैंने 2 घंटे पहले धो के रख लिया था जी। ये तकरीबन जी 3 किलो चावल हैं, मैंने इनको 2 घंटे पहले धो के रख दिया था। मेरे चिकन में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए। अब हम इसमें अपने चावल शामिल कर देते हैं। आपके चावलों से 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए तो आपके चावल कभी भी इंशाल्लाह खराब नहीं होंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे पुलाव में ज़बरदस्त सा बॉयल आना शुरू हो गया, इसका पानी खुशक हो गया। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्च भी शामिल कर दी है, क्योंकि हम विलेज स्टाइल का पुलाव बना रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा होती है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। ये देखें जी माशाल्लाह से इसमें सारा पानी ड्राई हो गया। अब हम इसको दम लगाएंगे। इसको मैंने अच्छे से ऊपर नीचे कर लिया, इसको दम लगाते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसको 20 मिनट का दम लगाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है जी मेरे किचन में। ये तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। मैंने 20 मिनट के बाद अपने चावलों का दम खोल लिया है, चेक करते हैं जी कैसा बना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का और बहुत ही स्पाइसी चिकन पुलाव मेरा रेडी है जी। इंशाल्लाह जी आपको मेरा ये भी चिकन पुलाव ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए जी अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से मेरा विलेज स्टाइल का पुलाव ज़बरदस्त सा जी रेडी है। साथ मैंने प्याज का रायता बनाया है, दही लिया उसमें थोड़ा सा प्याज और ज़ीरा डाल के नमक डाल के तो मैंने अपने पुलाव के साथ रख लिया। इंशाल्लाह जी आपको मेरा ये स्पाइसी सा चिकन पुलाव ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको विलेज स्टाइल का पुलाव पसंद आए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी किसी नई ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।